अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब इस वक्त हम जा रहे हैं सियालकोट, उधर जाके बताएंगे कौन से पॉइंट पर जा रहे हैं, ठीक है। और मेरे साथ है हसनैन भाई। इस वक्त हम पहुंचे हैं सियालकोट बाईपास पे, तो तकरीबन हमको 1.5 घंटा लगेगा पहुंचने में जिधर हमने जाना है। उधर जाके बाकी आपको बताएंगे, अगर रास्ते में कहीं रुके तो उधर भी आपके साथ जो ना वीडियो शेयर करेंगे, ठीक है। जनाब इस वक्त हम डस्का शहर से गुजर रहे हैं जी। तो इस वक्त हम पहुंचे हैं मोतरवाली नहर पे। ये मोतरवाली नहर है, ये देखो पीछे, इधर हमने स्टे किया पानी पीने के लिए। ये देखिएगा पानी की सतह नहर में, वो मीटर लगा हुआ है, ये देखिए वो चेक करने के लिए कितनी सतह पानी की। ये नहर हेडमराला से निकलती है और दहरावे में जाती है। तो इधर 2-3 मिनट जो है ना वो हम स्टे करेंगे। ये देखिए पाँव पानी में रखे हुए, तो फिर आगे चलते हैं। क्यों सफ़र अभी तकरीबन आगे है, तकरीबन 25 किलोमीटर सियालकोट है, तो सियालकोट से तकरीबन 17-18 किलोमीटर जो है ना वो आगे है। हमने 30 किलोमीटर सफ़र तय किया अभी, ठीक है। तो ये देखिए पीछे वो पीछे भाई खड़े हैं। तो इधर हम रुके हैं, ये भाई से जनाब चिकन भी पीने लगे हैं 2 ग्लास, देखते हैं जाका कैसा है। ये देखते हैं, कितने ग्लास भाई जान जी? 50 रुपये ग्लास जनाब, देखते हैं जाका कैसा बस। तो जनाब हम इधर आए थे, हमने बोला था हम उधर जाके बताएंगे आपको किधर जाना है। हम आए थे सियालकोट और जम्मू का जो बॉर्डर है ना उधर, लेकिन उधर से ना हमें फौजियों ने परमिशन दी। वो कह रहे थे यार हम लोगों को कहते हैं वीडियो ना बनाएं, लेकिन वो वीडियो बना के ना अपलोड कर देते हैं, इसलिए ना 3-4 महीने हो गए हैं उन्होंने ना वो उधर एंट्री बंद कर दी है, तो इसलिए हम उधर नहीं जा सके। तो हम ये खड़े हैं इधर, ये देखिएगा इधर से तकरीबन बाउंड्री लाइन जो है ना वो तकरीबन 0.5 किलोमीटर दूर होगी, लेकिन फौजियों की जो है ना वो इजाज़त नहीं, क्योंकि जीरो लाइन एरिया में आ जाता है, इसलिए हमें इजाज़त नहीं मिल रही। वैसे मैं आपको कोशिश करूँगा
किसी तरीके से ना आपको जो बाउंड्री लाइन है वो दिखा दूँ और जो बॉर्डर लगी हुई है ना वो दिखा दूँ, ठीक है। मैं आपको मोर्चे दिखाता हूँ जो पाकिस्तान का दफा करने के लिए पाक आर्मी ने मोर्चे बनाए हुए हैं ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ नीचे जाकर, ठीक है। ये देखिएगा, ये ना दफा के लिए ना बंद बनाया हुआ है इन्होंने, हमारी पाक आर्मी ने। इधर जगह जगह मोर्चे हैं, मैं आपको कोई ना कोई मोर्चे दिखाता हूँ। मेरे पीछे एक मोर्चा है लेकिन मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ, इसलिए मैं आपको आगे वाला मोर्चा दिखाऊंगा। ये है जनाब मोर्चा। इधर जब अगर ख़तरा हो ना जंग वगैरह कहीं किसी चीज़ का, तो इधर हमारे जो जवान है ना वो खड़े होते हैं। ये देखिए, ये आपको सामने जो चेक पोस्ट है वो आपको नज़र आ रही होगी, वो छोटा सा टावर है पाकिस्तान का, ठीक है। वो आपको दूसरी तरफ मैं अगर फिर दिखाऊं तो मैंने फुल जूम किया हुआ वो देखिएगा, वो इंडिया का झंडा और साथ पाकिस्तान का झंडा। ये तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है हमसे, मैंने मोबाइल को फुल जूम किया कैमरे को। तो जनाब ये देखिएगा गांव का मंज़र, और ये हमारी रही मोटरसाइकिल। जैसा हमने सोचा था वैसा तो नहीं हो सका, लेकिन ये है कि चलो फिर भी ठीक है, उनकी भी मजबूरी है, वो नहीं जाने देते आगे तो, क्योंकि उनको आर्मी को जो ऊपर से परमिशन है उन्होंने वही करना होता है। जिधर से हम गुजर रहे हैं ना, ये आर्मी के अंदर आता सब इलाका, ठीक है। तो इधर वैसे वीडियो बनाने देते नहीं, दूसरी तरफ तो ये हम बहुत मुश्किल से वीडियो बना रहे हैं इधर, क्योंकि ये सिर्फ आर्मी के अंदर इलाका आता है। इधर हम मैं मोर्चे दिखाता हूँ आपको एक और, इधर जगह जगह मोर्चे बने हुए हैं अगर नजर आया इधर तो, ठीक है। ये देखिए ये मोर्चा बना है, और ये भी मोर्चा देखिएगा, ये देखिए। अब हम जा रहे हैं अब चेक पोस्ट की तरफ। एक भाई से पूछा इधर से, वो कह रहे थे यार वो वीडियो तो नहीं बनाने देंगे लेकिन आपको वैसे जो है ना वो बाढ़ के नज़दीक ले जाएंगे आर्मी वाले। तो चलो चलते हैं, जाके देखते हैं कि आप जाने देते हैं कि नहीं। ये देखिएगा इधर हम जा रहे हैं अब, वो सुनैन पीछे आ रहा है। ये देखिए जाके देखते हैं अब जाना किधर से है, हमें तो ये भी नहीं पता जाना किधर से है। जो जिधर हम आए थे ना उसका पता था हमें, लेकिन इसको पॉइंट का नहीं पता हम किधर जाएंगे किधर नहीं।